रियोपटिक टफ लग रहा है यार मुझे, बिकॉज 10 दिन ही है सिर्फ, और अपना अभी मिरर्स चल रहा है, उसके बाद स्लैब्स वगैरह आते हैं, वो सब करने पड़ते हैं अपने को, फिर प्रिज्म्स जितना आते हैं। पढ़ाओगे हाँ उतना आएगा ना। हाँ तो एक काम करूंगा मैं, वही आई'ल डू दैट ओनली, कि तुम लोगों का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस चेंज कर लेंगे। लेट्स से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, जो मैंने नहीं पढ़ा है, दैट वुड बी डिलीटेड फॉर यू गाइस, उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सर ऐसे भी तीनों सब्जेक्ट में पोर्शन कंप्लीट नहीं होने वाला TWT का, तो ओके समझ गया, स्ट्रेट तो लाइन सही तीनों। है सर। हाँ एनीवेज देखो, जल्दी भगा के मतलब इस तरह से पढ़ाना कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए, उसमें मेरे को मजा नहीं आएगा। ओके इंस्टेड व्हाट आई वांट इज कि यार तुम लोगों को टाइम दो इस चैप्टर को समझने के लिए, तुम डाउट्स पूछो, उनके जवाब दूं मैं। ऐसा ना हो कि मैं तुम लोग डाउट्स पूछते जा रहे हो और मैं भगाते जा रहा हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इट्स फाइन कि अगर यार लेट्स से 10 दिन से भी डिले हो जाए ये चैप्टर, इट्स फाइन, तुम्हारा जो मेजर टेस्ट होगा उस तक तो हो ही जाएगा अब डेफिनेटली। एनीवेज थोड़ा सा फिर भी फास्ट कर लेते हैं अपन, कि जितना हो सके उतना कंप्लीट कर ले बिफोर 2 जनवरी। तो चलो स्टार्ट करता हूँ यार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स शुरू कर दिया था। स्फेरिकल मिरर्स में हमने देखा था कि दो तरह के मिरर्स होते हैं, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स के नाम दिए थे हमने। बट यू डिडन्ट अपलोड द लास्ट क्लास PDF सर। सर हैज क्या बात, अपलोडेड, सर हैज अपलोडेड। अपलोड किया था यार मैंने, हाँ एक बार सर, चेक ऑफिस से, ना किया हो तो एक बार मेरे को बता देना, रिमाइंडर दे देना, आई विल अपलोड इट। बस एज फार एज आई नो आई हैव अपलोडेड एनीवे। यस तो देखो सर। यार, हाँ ये वाली जो लाइन थी इसको बोला था प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो पॉइंट था इसको बोला था पोल, ये जिस स्फेयर का हिस्सा है, दिस दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, उस स्फेयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में कहीं पर फोकस आता है, फोकस की डेफिनेशन क्या थी, जहां पर पैरेक्शियल रेज मीट करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेक्शियल रेज, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं एंड उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो ये वाला एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। ये सब हमने पढ़ा था, हमने थोड़े बहुत रूल्स देखे थे यार, कौन सी रेज किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, दीज वर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हमने कॉनकेव के लिए भी देख लिया था और कॉन्वेक्स के लिए भी देख लिया था, याद आ रही है सब चीजें। ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये देखा दिखा ऐसा फॉर्मूला लग रहा है। हाँ इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो हम एक काम करते हैं, अभी इस मिरर फॉर्मूला को सबसे पहले डेराइव करते हैं और थोड़ा बहुत इसको यूज करना सीख लेते हैं। 10th में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ तो लेते हैं बट फिर उनको समझ में नहीं आता यार ये यू कैसे लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, वी कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, एफ कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, इसमें काफी लोगों को डाउट रहता है। खैर बहुत सारे लोगों को अच्छे से याद रहता है, इवन 11th क्लास में भी उनको याद रहता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बताते हैं कि हाँ सर देखो इसमें ये होता है ये होता है, बट स्टिल मेनी पीपल डू नॉट रिमेम्बर इट, तो एकदम स्क्रैच से करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर वैसे तो मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, बट द फॉर्मूला दैट आई वुड डेराइव फॉर द मिरर वुड बी वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स एज वेल। फिलहाल मैंने यहाँ पर डेरिवेशन के लिए कॉनकेव मिरर उठाया, बट जो फॉर्मूला डेराइव होके आएगा दैट वुड बी वैलिड इवन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखो ध्यान से सुनना सब लोग, ये रहा मिरर, ये रहा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो लाइन होगी वुड दिस बी नॉर्मल टू द मिरर एट दिस पॉइंट, अग्री करते हो? यस सर। So this line is a normal to the mirror at this point. अब देखो, let's say my object is kept at this point. तो object से दो rays निकालते हैं। एक ray गई यहाँ पर इस तरह से, वो reflect होके इस तरह से आएगी, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, reflected ray को green color दे देता हूँ। This is the reflected ray. ये ray reflected ray. और एक ray let's say से इस तरफ जाएगी, principal axis के along जाएगी। ये किस तरह से reflect होगी? वापस अपना path retrace कर लेगी, of course. This ray is incident perpendicularly at the pole. तो ये यहाँ पर अपना path retrace कर लेगी, तो ये इस तरफ आ जाएगी। दोनों जहां पर intersect कर रहे हैं reflected rays, वहां पर अपनी image बनती है। Reflected rays जहां meet करती हैं, that is the image point. ठीक है, जहां पर image form हो रही है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताओ। Yes sir.
एक और बार बोल सकते सर? बट सुनो यार, अपनी स्पीड ज्यादा रखने के लिए लेट्स लिमिट द रिपीटेशन टू टू ओनली, ठीक है? दो से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे आप। सब लोग ध्यान से सुनो यार, देखो यहाँ पर फंडा ऐसा है कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये रहा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जिस स्फेयर का हिस्सा है उस स्फेयर का सेंटर ये है। यहां से अगर मैं एक लाइन बना दूं इस तरह से, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो ये यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस लाइन इज द नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ए, एंड दिस लाइन इज द नॉर्मल टू द मिरर एट पी। पी पे नॉर्मल बनाएंगे ये है, ए पे नॉर्मल बनाएंगे ये है, ये जो लाल रंग की लाइंस बनाई है दीज आर द नॉर्मल्स। यहां पे मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में रेज निकल रही होंगी, उनमें से कोई भी दो रेज उठाओ, उनका रिफ्लेक्शन देखो, वो जो रिफ्लेक्टर्स जहां पर मीट कर रही है वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होंगी रेज, कौन सी रेज उठाते हैं। एक काम करो, एक रे ये वाली उठाओ जो इस तरफ जाएगी, और एक रे ये वाली उठाओ जो इस तरफ जाएगी। ये वाली जो रे है, ये वाली ये आगे जाके इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आ जाएगी। नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट रे है तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे आती है। लाल रंग से मैंने नॉर्मल बनाई है, नॉर्मल के लेफ्ट साइड में यहां पर इंसिडेंट रे है तो राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। तो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया रिफ्लेक्टेड रे जो ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है यहां पर ग्रीन कलर से। सेम तरह से ये वाली जो रे है, दिस इज इंसिडेंट एट पॉइंट पी, इसका इंसिडेंस नॉर्मल टू द मिरर है, तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, तो यहां पर ऐसे पीछे आ जाएगी, तो इधर पे कहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अग्री करते हो भाई, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, कुछ एंगल्स डिनोट कर देते हैं। लेट दिस एंगल बी अल्फा, ये क्या है, ये वाली जो इंसिडेंट रे है इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको अल्फा बोल दिया। आई वुड रिपीट इट अगेन, ये वाली जो इंसिडेंट रे है इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको अल्फा बोल दिया। जो रिफ्लेक्टेड रे है जो ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसका एंगल उसको गामा बोल दिया। आई रिपीट दिस अगेन, रिफ्लेक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको गामा बोल दिया गया। नेक्स्ट, ये जो नॉर्मल टू द मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है इसको बीटा नाम दे दिया गया है, और यहां पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसको थीटा नाम दे दिया गया। थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई, बताओ? नो सर। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा एंड थीटा, इन चारों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने की हम कोशिश करते हैं। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, बाय द वे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी है तुम लोगों ने, कि भाई अगर मान लो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। इट्स वेरी सिंपल टू प्रूफ, तो मैं उसके प्रूफ में नहीं घुस रहा हूँ, बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये होता है अपना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो अब देखो इस ट्राइंगल को देखें अगर हम ध्यान से, तो इस ट्राइंगल में ये एक एक्सटीरियर एंगल है बीटा, और थीटा और अल्फा वो इंटीरियर एंगल से जिनका सम बीटा के बराबर होगा। मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ वापस, जस्ट इन केस किसी ने ना सुना हो। यहाँ पर लाल रंग का एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इस लाल रंग के ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर अलग से निकाल देता हूँ, ये रहा हमारा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये जो बाहर का एंगल है जिसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इसकी वैल्यू है बीटा, ये वाला एंगल है अल्फा, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अल्फा और थीटा मिलकर बीटा के बराबर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके बोलता हूँ कि भैया ट्राइंगल ए ओ सी को अगर हम देखें तो इसके दो इंटीरियर एंगल्स हैं अल्फा और थीटा, ये मिलके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होने चाहिए। जो जो एक्सटीरियर एंगल
तुम यहाँ पर ले रहे हो, उसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल होता है उसको यहाँ पर नहीं ऐड करना होता है, यू डू नॉट हैव टू ऐड दैट वन। सिमिलर तरीके से ये वाला जो ट्राइंगल है पर्पल कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ट्राइंगल ए सी आई, ट्राइंगल ए सी आई, इसमें थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा आ जाएगा हमारे पास। सो ट्राइंगल ए सी आई की अगर हम बात करें, इसमें बीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू गामा आ जाता है हमारे पास। अभी काम करते हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से शायद हम थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे क्या होगा अल्फा बीटा और गामा में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा, जिससे शायद बाद में कोई फायदा हो, मुझे पता है बाद में फायदा होगा इसलिए मैं वो कैलकुलेशन कर देता हूं। तो यहां पर अभी एक काम करता हूं मैं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर वन, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर टू। अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि थीटा एलिमिनेट हो जाए, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर उल्टा कर दो तुम्हारी मर्जी जैसे भी करना चाहते हो। तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल और अल्फा माइनस बीटा एलएचएस में रह जाएगा। आरएचएस में हमारे पास क्या आएगा, बीटा माइनस गामा आएगा। सो आरएचएस में हमारे पास आएगा बीटा माइनस गामा। तो एक काम करो, गामा को इस तरफ बीटा को इस तरफ ले जाओ, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू टू बीटा आ गया हमारे पास। यहां तक सबको समझ में आया क्या भाई, बताओ कितने लोगों को समझ आया यहां तक, एक बार हाथ उठा के बता दो जल्दी से मुझे, कितने लोगों को समझ आया यहां तक। वेरी गुड, किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ लो जल्दी से। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, तो इसलिए टू बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। नाइस, एक्चुअली सही बोल रहे हो तुम सर। अल्फा पे थीटा जोड़ा तो बीटा आया, बीटा पे थीटा जोड़ा तो गामा आया, तो ये एक्चुअली में एपी में, सही बात है। हाँ सर, इसमें आपने एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लगा दिया। बिल्कुल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अब देखो प्रॉपर्टीज के नाम एग्जैक्ट से मुझे याद नहीं है, ऑफ कोर्स पिछली क्लास वाले बच्चों ने बताया सर इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मैंने कहा ठीक है यही नाम दे देते हैं इसको। तो जो भी नाम हो क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो काम से मतलब है। काम क्या है, x plus y is equals to z, ये हमारा मेन इसका फंडा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो। हम जो मिरर फॉर्मूला डेराइव करते हैं, 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f, this is valid only for paraxial rays, only for paraxial rays, बाकी rays के लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो अभी मैंने डेराइव नहीं किया है, तो मैं ये फॉर्मूला किसके लिए डेराइव करूंगा, आई डेराइव दिस ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, हाँ कि ना, अग्री करते हो? Yes. जल्दी बताओ। नाउ सी, फॉर थीटा टू बी स्मॉल, फॉर थीटा टू बी स्मॉल, दिस ए पॉइंट शुड बी वेरी क्लोज टू द पोल। बिकॉज क्या है, यहां पर अगर मैं ऐसे बनाऊ, ये हमारा नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक अगर ये लाइन बनाओ, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होती है यहां पर, लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट रे। यहां पर देखो बहुत छोटा एंगल बन रहा है, जैसे जैसे मैं इस ए पॉइंट को शिफ्ट कर दूं यहां पर लेके आ जाऊं, तो यहां पर ऑफ कोर्स अभी बड़ा एंगल बन रहा है, और ज्यादा अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो और बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहां पर। सो फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी वेरी स्मॉल, फॉर द रेज टू बी कॉल्ड पैराक्सियल, हम क्या करेंगे, थीटा को बहुत छोटा कर देंगे। अभी यहाँ पर तुम बोलोगे बट सर ये वाली लाइंस तो पैरेलल है नहीं, तो यार देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ रेज ऐसी होंगी जो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द मिरर आएंगी, बट वो एग्जैक्टली पैरेलल होंगी नहीं, वो हल्का सा एक एंगल बना रही होंगी यहाँ पर शायद। ठीक है, तो यहाँ पर एनीवेज पैराक्सियल मत बोलो चाहे, बट वी वुड बी डेराइविंग दिस ओनली फॉर वेरी स्मॉल थीटा, ऐसा बोल दो। चलो हम जो डेरिवेशन करेंगे, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वेरी स्मॉल थीटास, उन रेज को चाहे तुम पैराक्सियल बोलो या फिर मत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर वेरी स्मॉल थीटा कैन आई से अल्फा बीटा गामा, ये सब भी बहुत छोटे छोटे होंगे, क्यों, बिकॉज अगर मान लो हम ए पॉइंट बहुत नजदीक लेते हैं, तो ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, तो डोंट यू थिंक अल्फा बीटा गामा सब भी, ये तीनों भी बहुत छोटे छोटे आएंगे, क्या लगता है तुम्हें, बताओ? यस सर। तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा A point is very close to the pole. A point is very close to the pole.
alpha, beta, and gamma would also be very small in this case. Would also be very small. अब देखो, एक काम करते हैं, तुम एक चीज मुझे बताओ कि यार मान लो मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस है, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा अगर मैं कंसीडर करता हूं, कैन आई कंसीडर दैट टू बी अ स्ट्रेट लाइन? इज इट फाइन? यस सर, यस सर। तो अगर ये point, हाँ, अगर ये ए पॉइंट बहुत नजदीक है पोल के, तो ये जो लाइन है जो कि एक्चुअल में कर्व्ड है, क्या मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकता हूं? यस सर। तो यहां पर क्या होगा, एपी इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, एपी इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ये मेरा अजम्पशन रहेगा यहां पर, एंड दैट इज अ वैलिड अजम्पशन इफ ए इज वेरी क्लोज टू द पोल। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ए से पी तक एक लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन, ए से पी तक एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब यहां पर देखो, तीन पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, this is the center of curvature of the mirror, and ये वो point है जहाँ पर image बन रही है। Now see, ये जो line आई है, this is the incident ray, ये incident ray है, ये तुम्हारी reflected ray है, and this is the normal to the mirror। मैंने basically वही जो तीन angles हैं, वो दिखाने के लिए एक अलग से triangle बना दिए। अब देखो, ये जो angle है, ये वाला, इसकी वैल्यू अल्फा है, इसकी वैल्यू बीटा है, इसकी वैल्यू गामा है। डू यू गाइस अग्री? बताओ। यस यस। अब तो काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस कंसिडर करूं, तो लेट्स से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो, ये बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका? नहीं नहीं सुनो, ये ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, पोल इज द ओरिजिन, एंड दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। वेरी गुड, इन सभी के एक्स कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। तब तक एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इनकी जो ये लेंथ है ना, पी आई, पी सी और पीओ, इनसे डील करते हैं, बाद में इनके कोऑर्डिनेट्स से डील करेंगे हम। आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वुड इट बी प्लस पी आई और माइनस पी आई? आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर मान लो यहां पर माइनस पी आई, माइनस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। पी को ओरिजिन है, हां पी को ओरिजिन ले लिया, और जिस तरफ इंसिडेंट रे आई थी उसी तरफ मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो यहां पर अगर ये लेंथ पी आई है, तो आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस पी आई हो जाएगा। ऑफकोर्स, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पीछे एक 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -10 होता है, ऑफकोर्स ये सब है ना। तो देखो, यहाँ पर एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल के लिए टैन थीटा, इस ट्राइंगल के लिए टैन थीटा, और इस ट्राइंगल के लिए टैन थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो टैन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। हाँ, तो देखो, tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, AP अपॉन OP, सही लिख रहा हूं? जल्दी बताओ। अरे नहीं नहीं, tan अल्फा लिखा है ना मैंने, tan अल्फा। अच्छा, ओके, सॉरी सर। AP बाय OP। अब एक और चीज बताओ मुझे, क्या तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ बताया गया है कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो टैन थीटा को हम थीटा ही लिख सकते हैं, ऐसा बताएं? यस सर, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा, डॉक्टर, दैट्स फॉर ऑल। देखो, साइन थीटा और टैन थीटा के लिए वैलिड है कि एक सेम चीज, कि साइन थीटा और टैन थीटा दोनों को थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत छोटा है, और कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत छोटा है। तो फॉलो कर रहे हो? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो अल्फा है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, तो क्या टैन अल्फा को मैं अल्फा लिख सकता हूँ? बताओ। यस सर, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा लिख दिया मैंने। सिमिलर तरीके से टैन बीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, टैन बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं बाय द वे, और उसकी वैल्यू आएगी एपी बाई सीपी, एपी बाई सीपी। इसी तरह से टैन गामा को हम गामा लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू आएगी एपी बाई पी आई।
यहां तक एक बार चेक कर लो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो. यस यस सर. नाउ सी, ये जो भी रिजल्ट्स आए हैं, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इसमें पुट कर दो. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 3. तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, जिसमें तीनों एंगल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज इंक्लूडेड. सो आई विल सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर 4 इनटू इक्वेशन नंबर 3. तो मेरे पास क्या आता है, अल्फा प्लस गामा. अल्फा इज एपी बाय ओपी प्लस गामा व्हिच इज एपी बाय पीआई, which is AP by PI, is equal to 2 beta, which is 2 AP by CP, 2 AP by CP. अब देखो भाई, क्या यहाँ पर AP, AP, AP कट जाएगा, बताओ? AP, yes, AP, sir. AP कट गया? Yes, sir. What I'm left with is 1 by OP plus 1 by PI, is equals to 1 upon CP by 2. ये बच गया मेरे पास, सही है ना? क्या बोलते हो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और सी, CP ये वाली लेंथ है, CP ये रेडियस है, CP सेंटर टू, हाँ, ओके. हाँ, तो CP by 2 का मतलब क्या हो जाएगा? फोकस तक की लेंथ हो जाएगी, हाँ केड़ा? Yes sir. For rays which make a very small theta, they will be. नहीं नहीं सुनो, एक बात सुनो, सीपी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है सीपी, तो हाँ कि ना? यस सर. हाँ, तो सीपी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. सीपी बाय टू का मतलब है फोकस तक का डिस्टेंस. ऑब्वियसली किसका फोकस है? पैरेक्सियल रेज का फोकस है ना? यस सर. है ना? तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये फोकस तक का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल. ये कहां तक का डिस्टेंस है? पोल से इमेज तक का डिस्टेंस. ये कहां से तक, ये कहां तक का डिस्टेंस है? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस. अग्री करते हैं सब लोग? यस सर. यस सर. यहां पर ये जो चीज आ रही है ना, दिस इज लाइक 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. ऐसा कुछ आ रहा है, बताओ? हां कि ना? यस सर. यस सर. बट अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ लेंथ वी वुड यूज एक्स कोऑर्डिनेट्स. हम लेंथ की बजाय एक्स कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे. तो वो वाला पार्ट मैं कर दूंगा, पहले तुम इतना कॉपी कर लो एक बार जल्दी से, तब तक मैं चाय पीता हूँ. कॉपी एक काम करो, पहले कॉपी कर लो. आई एम हैविंग टी राइट नाउ, तो ये जल्दी से 2 मिनट में खत्म होगा जब तक तुम कॉपी करोगे, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा तुम्हारे. ठीक है सर, डन. बाकी को लिखने दो भाई. कॉपी कर लिया? नो सर. ओके, कॉपी करो. एक्चुअली यार मेरे को ना ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा जुकाम होता है, तो क्लास के बीच में चाय पीने से थोड़ा अच्छा रहता है, गला थोड़ा सा ठीक रहता है.
तुम अदरवाइज अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं क्या वो फार्मूला का? बिल्कुल, अभी हम मिरर फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, एकदम फाइनल स्टेप पे हैं, फाइनल स्टेप में दिखाऊंगा अभी। सर वो CP by 2 को फोकल लेंथ इसलिए बोला क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना? बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए ही बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ऑलमोस्ट पेरेक्सियल रेज ही है बेसिकली, उनके लिए तो फोकल लेंथ R by 2 होता है। Where R is the समझा सकते हो tan alpha is equal to alpha at very small alpha। यार ये एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है यार, तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में तुम लोगों को लिमिट्स वाला एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उस टाइम तुम्हें बताएंगे कि साइन थीटा को किस तरह से अप्रोक्सीमेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर टैन वो बताया, फिर साइन एंड कॉस बताया, तो टैन इज साइन बाय कॉस एंड अगर साइन इज थीटा एंड कॉस इज 1 देन and theta is also equal to theta for very small angles. Exactly, exactly. That use भी किया हुआ है physics में बहुत अच्छा, दूसरे वाले track में। हाँ, कोई और भी कुछ पूछ रहा है? सर, बोलो बोलो। सर वो CP by 2 को focal length क्यों बोल रहे थे? ये बताओ, C क्या चीज है? Sphere का center है हाँ के ना? हाँ सर। तो C से P तक जो distance है वो radius of the sphere है हाँ के ना? हाँ। रेडियस का आधा जो होता है वो फोकल लेंथ होता है हाँ कि ना? हाँ सर, समझ गया। ओके सर, बट ये जो फोकल पॉइंट है वो पैरेक्सियल रेस का है ना? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने हमने कौन सी रेस कंसीडर करी है यार, हमने भी तो छोटे थीटा के लिए कंसीडर किया है। अब देखो पैरेलल ना, कंपलसरी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा फंडा है कि यार नो वन इज सेइंग these rays are meeting at this point, no one is saying that, हाँ कि ना? क्या किसी ने बोला कि ये rays वहाँ पर meet कर रही है? नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये जो length आती है, this is the focal length for paraxial rays, मैं बस ये बोल रहा हूँ। कोई तुमको बोले कि भैया ये radius है r, तो r by 2 distance एक आया है मेरे पास, इस distance पे जो point है उसको कुछ नाम दे सकते हो क्या? तुम बोलोगे हाँ इसको एक नाम दे सकते हैं, क्या नाम दोगे? focus। ये सारी रेस का फोकस होता है कि ये पैरेक्सियल रेस का फोकस होता है? ये पैरेक्सियल रेस का फोकस होता है। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जो रेस है वो यहां पर मीट कर रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास तो बस एक पॉइंट आया जिसका डिस्टेंस r / 2 आया था। इनफैक्ट एक और पॉइंट मैंने कंसीडर किया था जिसका डिस्टेंस था r। क्या इस पॉइंट पर कोई रे आ रही थी मेरी रिफ्लेक्ट होकर? नहीं, इस पॉइंट पर भी नहीं आ रही थी। मैं तो बस इनकी प्रीवियस डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं कि अच्छा हाँ, पोल से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता है उसको तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से r by 2 डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोल देते हैं, और वो फोकस डिफाइंड ही सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए होता है, बाकी किसी के लिए डिफाइंड ही नहीं है वो। आगे ना, सही बात है? Yes, sir, got it. तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई कहीं से, तो ये इन कैलकुलेशन से कहीं से आ गई, तो इसको मैं फोकल लेंथ बोल दूंगा। नो वन इज सेइंग कि भाई यहाँ पर मीट कर रही है मेरी एक भी रे, दीज रेस माइट नॉट बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। सर एक डाउट है। बोलो। सर जो टैन थीटा को अपन थीटा कंसीडर करते हैं तो उसमें थीटा का कोई मतलब लिमिटिंग वैल्यू रहता है क्या कि इस एंगल के नीचे 5 डिग्री करना है? ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको वी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको यू बोल देते हैं, फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एफ बोल देते हैं। दिस इज द फोकस, तो यहां पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। वी क्या चीज है? इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट। स्मॉल एफ क्या होगा? फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पर मैं डिफाइन करता हूं इन चीजों को, यू इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एंड एक एफ नाम का पॉइंट भी मैं मतलब एफ नाम की चीज भी डिफाइन करूंगा, दैट वुड बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। अभी बताओ ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या ये सभी के सभी एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे यहां पर इस केस में कि नेगेटिव होंगे? क्या लगता है? नेगेटिव, तो सब नेगेटिव होंगे। नेगेटिव,
तो यहाँ पर यू को क्या लिखोगे, प्लस ओपी लिखोगे कि माइनस ओपी लिखोगे? यू माइनस माइनस यू इज माइनस, सही है ना? तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ कि भाई एफ जो होता है स्मॉल एफ, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भैया यू जो है दैट इज माइनस ओपी, वी जो है दैट इज माइनस आईपी, एफ जो है दैट इज माइनस एफपी, व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सीपी बाय टू। क्या है कि भाई ये जो लेंथ है ये आर बाय टू है और ये पूरा का पूरा रेडियस के बराबर है, तो एफपी इज नथिंग बट सीपी बाय टू, एफपी इज नथिंग बट सीपी बाय टू। यहां तक समझ में आ रही चीजें लोगों को? हाँ सर। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को LHS और RHS दोनों जगह पर माइनस 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 से मल्टीप्लाई करो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इससे कुछ बदल जाएगा? तो सेम ही रहेगा। कुछ बदलेगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। ये जो माइनस ओपी है, क्या मैं इसको यू लिख सकता हूं बाद में? हाँ सर। यस सर। ये जो माइनस पी आई है, क्या मैं इसको वी लिख सकता हूं बाद में? क्या ये जो माइनस सी पी बाई टू एफ लिख सकता हूं बाद में? बताओ। यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? वन बाई माइनस ओपी प्लस वन बाई माइनस आई पी इज इक्वल टू वन बाई माइनस सी पी बाई टू। अब यहां से मेरे पास क्या आ गया? यहां से आ गया वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। ये मिरर फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा था, सही बात है? Yes. इसकी डेरिवेशन टाइम क्या मैंने सभी तरह के थीटास कंसीडर किए कि मैंने सिर्फ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये डिराइव किया? क्या लगता है? मैंने स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली रेस के लिए ही ये डिराइव किया है, बाकी के लिए वैलिड नहीं रहेगा। एक्स एक्सिस को मैंने कौन सी डायरेक्शन में लिया? जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही थी उस तरफ लिया मैंने, जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही थी उस तरफ मैंने एक्स एक्सिस ले ली। पोल को मैंने लिया है ओरिजिन, समझ में आ रहा है? यू क्या चीज है? यू है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, एफ इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। यहां पर मैंने एकदम प्यार से सारी चीजें स्पेसिफाई की है। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर ये हमारी एक्स एक्सिस बन जाएगी, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड ये अपना ओरिजिन बन जाएगा, तो इसको वाई एक्सिस बोल सकते हो तुम अगर चाहो तो। तो यहां पर पोल इज द ओरिजिन, ठीक है? और यहां पर अलग से मैं लिख देता हूं कि भैया जो हमारी इंसिडेंट रे है वो जिस तरफ आ रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है। पॉजिटिव एक्स इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एक मिनट रुको, हाय बोलो सर। अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले तो हम लोग को ये अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो अगर मेरे पास एक टॉल ऑब्जेक्ट होता तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन सभी के इमेजेस निकालते हैं। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं O1 एंड O2, इनकी इमेजेस निकालने की कोशिश करते हैं, वो यहां पर आ जाती हैं। O2 की इमेज यहां आएगी I2, O1 की इमेज यहां कहीं आ जाएगी I1, फिर हम बोलते हैं भैया बाकी जो पॉइंट्स हैं बीच वाले उन सभी की इमेजेस बीच में कहीं पर आ जाएंगी। सर लेकिन अगर हम O1 को ज्वाइन करें P से और फिर I1 को ज्वाइन करें P से तो फिर वो सिमिलर प्रूव हो सकते हैं ना? ये वाली चीज बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर उनका O1 upon O2 is equal to I2 upon I1 होगा ना? O1 का जो डिस्टेंस है अपॉन O1, O1 to O2 का, एक सेकंड सर, इसको HI बोल दो। देखो तुम क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ। What you are trying to find is you're trying to find the magnification कि भैया इसकी हाइट वर्सेस इसकी हाइट का रेशियो क्या है। सेम डेरिवेशन मैं भी करने वाला हूं बाद में। ये जो तुम डेरिवेशन बोल रहे हो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम है तो इमेज की हाइट कितने गुना आती है, मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला तुम डिराइव कर रहे हो।
तो मिरर फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हो सर, वी विल यूज मैग्नीफिकेशन मोर इन लाइक लेंसेज ना, इधर भी हम दोनों मैग्नीफिकेशन देखेंगे. ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन. देखेंगे दोनों चीजें देखेंगे हम. ठीक है, ये पेज सब लोगों ने कॉपी कर लिया भाई, बताओ. यस सर. यस सर. एक मिनट. ओके, यस सर, डन, थैंक यू. ठीक है, मैं अगले पेज पे चलता हूँ. अब मेरे पास एक सर, सवाल है सर, लिखो जल्दी लिखो. हाँ सर. आप कुछ बोल रहे हैं क्या, डाउट पूछना है सर? इसमें ऐसा होता है ना, ऑब्जेक्ट जितना पास में लाते तो इमेज इतनी ज्यादा बड़ी होती है, और अगर ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते तो इमेज छोटी होती है. करेक्ट, ऐसा होता है. बट देखो वो कहां तक होता है, वो प्रिंसिपल फोकस तक. कहां तक सर? प्रिंसिपल फोकस तक. देखो हम देखेंगे, इसका एक ग्राफ देखेंगे, इसका एक ग्राफ देखेंगे. सी तक अगर तुम लेके आते हो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, फोकस से धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक शिफ्ट होती है तुम्हारी इमेज. फिर क्या होता है, इस तरफ जब लेके आ जाते हो ऑब्जेक्ट को, तब इमेज इस तरफ शिफ्ट हो जाती है जब तक तुम फोकस तक नहीं आते हो. फिर वो बड़ी होती है इमेज, फिर इमेज बड़ी होती है तो यहां पर क्या होता है. हाँ सही बात है तुम्हारी, एकदम सही बात है कि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से फोकस तक लेके आ रहे हैं, लगातार इमेज यहाँ पर शिफ्ट होते जाएगी और बड़ी होते जाएगी. बिल्कुल सही बात है. करेक्ट. फिर फोकस के बियॉन्ड अगर हैं, फोकस के बियॉन्ड अगर हम ले जाएं, तो इमेज एक्चुअली इमेजिनरी बनने लग जाती है, वो भी एनलार्ज. सर, वी बी हैविंग दोस रे डायग्राम्स आर यू शुड हैव. यस यस, वी वुड हैव दोस. सर एक डाउट है. बोलो सर. वो जो यू वी और एफ की अपने नेगेटिव वैल्यू हमको मिली है, तो हमने जब वो वापस इक्वेशन में नेगेटिव सब्स्टिट्यूट किया तो फर्क नहीं पड़ता? तो ना, मैंने वापस कुछ नेगेटिव नहीं सब्स्टिट्यूट किया. देखो, दिस ओपी इज अ लेंथ, दिस पीआई इज अ लेंथ, दिस सीपी इज अ लेंथ. लेंथ्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. इन पॉजिटिव नंबर्स को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास. इस इक्वेशन में मैंने देखा कि भाई ये जो माइनस ओपी है, ओपी का माइनस, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज द ओरिजिन. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया, उस एक्स कोऑर्डिनेट को नाम दिया है यू. फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास आ जाता 1/2 + 1/4 = something something 3/4 आ गया, कुछ तो आ गया. लेट्स से फिर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, और मेरे को मालूम है कि भैया यहां पर दो पॉइंट्स हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2, ये 2 सेंटीमीटर दूर है, ये 4 सेंटीमीटर दूर है. कैन आई से दिस -2 इज x1, कैन आई से दिस -4 इज x2, कैन आई से दैट? हां सर. तो मैंने वही चीज करी यहां पर, ये जो माइनस ओपी है ये ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस आईपी जो है ये इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाली चीज फोकल फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो सब लोग. दिस इज द मिरर फॉर्मूला, ये जो लाल डब्बे में मैंने बंद किया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी, कुछ सवाल करेंगे बेस्ड ऑन दिस. बट सबसे पहले लेट मी चेक वेदर यू गाइस हैव अंडरस्टूड द साइन कन्वेंशन. अब देखो, साइन कन्वेंशन मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बट फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन के लिए कि भैया साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है. टेक पोल एज ओरिजिन, take pole as origin and positive x along the incident ray, along the direction of incident ray, but along the principal axis itself, along the principal axis itself. उसके बाद क्या करो, u is simply the x coordinate of object, v is simply the x coordinate of image, f is simply the x coordinate of focus. ये अपना साइन कन्वेंशन है, हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, बहुत सिंपल है हमारे लिए.
हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। टेंथ क्लास में इस तरह से शायद इसलिए नहीं पढ़ाते होंगे क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना क्लियरली नहीं पता होता बच्चों को, उसी समय तो सिखा रहे होते हैं। टेंथ में सिखाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, नाइन्थ में सिखा देते हैं। कब सिखाते हैं? तो अभी हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। पहले तुम्हें क्या सिखाया जाता था कि भैया इस डायरेक्शन में जो भी चीजें मेजर करोगे उनको पॉजिटिव मेजर करना, पोल से आगे पॉजिटिव, पोल के पीछे नेगेटिव, ऐसे बताया जाता था। वो यही चीज थी। उसको मैंने एक सिंप्लीफाइड मैनर में रख दिया तुम्हारे सामने। ये चीज समझ ली तो काम आसान बन गया। साइन कन्वेंशन कॉपी कर लिया क्या सब लोगों ने? So in that formula, do we use it with the sign? We use it with the sign, right? We use it with sign. There you go. Okay. 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. These are x coordinates. Can x coordinates be positive or negative or both? Kuch bhi ho sakta hai, na? Yes, but for mirrors, it will always be negative. Right? I mean, u is always negative. U is always negative, yes. But not necessary, yaar. Dekho, kai baar kya hota hai? Let's say my incident rays are coming in this direction. Inko agar main extend karun, to wo yahan kahin jaakar milti hain. To ek virtual object ho sakta hai. Uske liye U ki value positive aa jayegi. Haan ki na? Sahi baat hai. Dekho, what is the definition of object? इंसिडेंट रेज कहां पर मीट करती हैं, है ना? तो अगर एक्चुअल इंसिडेंट रेज मीट कर जाएं, तो रियल ऑब्जेक्ट है। अगर इनको एक्सटेंड करना पड़ जाए बिहाइंड द मिरर या फिर कहीं पर भी, एक्चुअली बिहाइंड द मिरर, तो यहां पर जो बनता है ऑब्जेक्ट, इसको वर्चुअल बोल देते हैं। हाँ कि ना? सही बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक सवाल है मेरे पास। यहां पर तुम्हारे को तीन केसेस दिए गए हैं जिसमें बोला है कि भैया यहां पर ऑब्जेक्ट था, इधर पे इमेज बन गई, यहां कहीं फोकस है। इसमें क्या बोला? यहां ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बन गई, यहां कहीं फोकस है। यहां पर भी सेम चीज बोल रहा है, यहां ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बन गई और फोकस भी यहां कहीं पर है। तो इनके लिए तुम्हें सिर्फ साइन लिख के बताने की यू वी आर और एफ का साइन क्या है। यू वी आर और एफ का साइन क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, this is the object, this is the image, this is the object, this is the image. R का मतलब क्या है? R is the x coordinate for C. तुम्हें बस इनके साइन लिख के बताने कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सवाल समझ में आ रहा है मेरा तुम लोगों को? हाँ सर। ओके, इसको ट्राई करो, आई विल कम बैक इन अ मिनट।
हुआ भाई सॉल्व? यस सर। क्या आंसर कर दूं इसको कि थोड़ा और टाइम चाहिए ट्राई करने के लिए? कुछ ड्रॉ नहीं करना है तुम्हें। अच्छा मतलब नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो तुम चाहो तो, बस ऐसे ड्रॉ कर लेना कि भाई कैसा मिरर है, कैसा मिरर है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज है, कहाँ फोकस है, बस ये ड्रॉ कर लेना। बाकी रेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं नोटबुक में, है ना? बिकॉज अभी हम बस साइन कन्वेंशन समझ रहे हैं कि भाई यू वी और एफ पॉजिटिव लिखना है अपने को, नेगेटिव लिखना है, क्या लिखना है एग्जैक्टली उसका साइन कन्वेंशन समझ रहे हैं फिलहाल हम, और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला वाला जो है इसके बारे में बात करते हैं, फिगर ए के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यू वी आर और एफ की के साइन लिख देते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, इसको ओरिजिन बनाओ। दिस इज द ओरिजिन, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रही ओरिजिन, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रही ओरिजिन, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का वो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, इमेज का भी नेगेटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी नेगेटिव होगा, फोकस का भी नेगेटिव। सही है? यस सर। सभी के एक्स कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव 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 है, यहां पर माइनस 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 माइनस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोकस का भी नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी नेगेटिव, बट ये जो इमेज बनी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा पॉजिटिव, इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। बहुत सिंपल है। अब आखिरी वाला केस हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट का हमेशा नेगेटिव ही आ गया, बिल्कुल सही बात है। नहीं वैसे मैंने बताया अभी जस्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस भी तो होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बन जाता है कई बार, जिसमें रेज ऐसे आ रही हैं, तो इंसिडेंट रेज यहाँ कहीं मीट करेंगी, तो यू कभी कभार पॉजिटिव हो सकता है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो तो। फॉलो कर रहे हो? यस सर। इज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक कॉन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, तो इस कॉन्वर्जिंग लेंस की जो इमेज बनती वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, तो वो ऑब्जेक्ट तो ऑफकोर्स इसके आगे आता है ना, तो यहाँ पर इसके लिए ये एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज के लिए यू की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, व्हाई नॉट। ओके हाँ, अब इस केस के बारे में बात करते हैं। अब ये बताओ ये जो मिरर है इसको कौन सा मिरर मिरर बोलते हैं, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये बताओ? कॉन्वेक्स मिरर की, ये रहा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा अपना फोकस, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएंगे। हाँ तो एक चीज याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आती है नेगेटिव, ये चीज याद रखनी चाहिए सब लोगों को। अब देखो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ, एफ सी और आई इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं और जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसका नेगेटिव, ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सबके एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है यहाँ पर। ये वाला जो साइन कन्वेंशन वाला सवाल था, कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार हाथ उठा के बता दो, सबके हाथ नीचे कर रहा हूं मैं, बताओ भाई किस किस को समझ में आया, किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे प्लीज पूछ लो। ठीक है फिर ये कॉपी कर लो जल्दी से, 30 seconds है, बिकॉज सिर्फ यही कॉपी करना है, बाकी तो कॉपी कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। इसके आगे एक और सवाल है तुम्हारे लिए, बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, उस फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है जो कि 10th में भी कर चुके हो तुम लोग, बट कोई बात नहीं स्क्रैच से करेंगे अपन। सर आई हैड इंटरनेट इश्यू सो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर इज, यहां पर क्या लिखा मैंने आर बताओ,
x कोऑर्डिनेट फॉर c. ओके तो यहां पर c का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहां पर c का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, सही है? समझ में आ गया पक्का से? हां सर. ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं. ये रहा अगला सवाल, इसको सिर्फ रीड करो खुद से और सॉल्व करो. यहां पर तुम्हें मिरर दिया है, एक पता नहीं किस तरह का मिरर है. इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, रेडियस दे दिया, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका रेडियस पकड़ा दिया तुम्हें, 20 सेंटीमीटर का है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल से कितना दूर रखा है वो बता दिया. अब तुमसे पूछ रहे कि भैया ये बताओ किस तरह की इमेज बनेगी और कहां पर बनेगी, किस तरह की इमेज बनेगी और कहां पर बनेगी, ये पूछ रहा तुमसे. किस तरह की मतलब रियल है, वर्चुअल है, क्या है एग्जैक्टली? सर चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, बिल्कुल. इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कहां बन रही है. फिर टाइप लिख दो वर्चुअल है कि रियल है. सर आप एक मिनट के लिए लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो, बस स्क्रीनशॉट ले लो. डन सर, थैंक यू. ठीक है भाई, ये आई होप सब लोगों का हो गया यार. मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से, पहले लोगों के आंसर्स चेक करता हूँ. क्या सर वो पूरा आप देख रहे हो क्या? सर समझा नहीं, मैं वापस बोलूं, मैं पहले आंसर चेक कर लेता हूं लोगों के. तो आंसर होना चाहिए -15 सेंटीमीटर और रियल आंसर होना चाहिए. रियल बिहाइंड द मिरर 15 सेंटीमीटर, नहीं बिहाइंड द मिरर नहीं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. एक्चुअली किसी का -7.5 आया, ओके शायद पहले का आंसर होगा कोई. वर्चुअल 15 नहीं, 15 टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, गुड. रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड. मैग्निफिकेशन लेस देन 1, ओके देखते हैं. तो देखो यहां पे अभी सिंपली सबसे पहले क्या बोलो कि यार यहां पर ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां से रेज निकलेंगी जो भी, उनकी ये वाली डायरेक्शन है. प्रिंसिपल एक्सिस के अब अलोंग मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है.
I have to draw x axis along the yaar cheek adhuri aa rahi hai iski wajah se beech beech mein bolna band karna pad raha hai. Anyways to yahan par ye positive x axis hai, ye raha hamara origin, origin pe likha bhi hua 0,0 x coordinates iske x and y dono. तभी जो ऑब्जेक्ट है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम यू बोलते हैं, यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो जाएगी. जिसको हम फोकस बोलते हैं उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज फोकस का जो डिस्टेंस होता है पोल से वो आर बाई टू के बराबर होता है. दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू, ये जो डिस्टेंस है ये आर बाई टू है. तो जो फोकल लेंथ आएगी हमारे मिरर की वो आएगी -10 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे हम, बिकॉज इट इज नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस. अब वी की जो पोजीशन है वो निकालनी है अपने को, वी की पोजीशन जो है वो निकालनी है अपने को, तो हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे. विल यूज द मिरर फार्मूला, जल्दी से लिख देता हूं, अदरवाइज लोग गाली देंगे, कहेंगे सर ये तो हमने 10वीं भी पढ़ लिया, आप वापस से क्यों पढ़ा रहे हो. तो 1/u + 1/v = 1/f, तभी यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 1/v = 1/f -1/u आ जाएगा मेरे पास. तो आएगा 1/-10 - 1/-30 ये आ जाएगा. अब देखो एक काम करो, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, -3 + 1/30 -2/30 आ जाएगा. सो 1/v = -2/30, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 30/-2 मतलब -15 सेंटीमीटर. -15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज है वो ओरिजिन के लेफ्ट में बनी है. अब ओरिजिन के लेफ्ट में किस चीज से बनी होगी, जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे उनसे बनी होगी कि उनका एक्सटेंशन करके मिरर के पीछे बननी पड़ती है, क्या क्या लगता है? एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे से बनी होगी, तो उसको क्या बोलोगे, रियल इमेज बोलोगे कि रियल इमेज बनेगी. तो यार देखो एक चीज याद रख लो बस, कि मिरर्स के सामने, मिरर के सामने अगर कोई इमेज बन रही है वो रियल ही होगी, बिकॉज वहां पर जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है वो जाकर मिलती है. इस तरफ मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बनती है वो पक्का से वर्चुअल होगी, बिकॉज वहां पर इमेज बनाने के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रेज का एक्सटेंशन कंसिडर करना पड़ता होगा हमेशा. ये रिफ्लेक्टेड रेज है लेट्स से इस तरह से जा रही है, इनका हमेशा एक्सटेंशन कंसिडर करना पड़ता होगा, तब जाकर इमेज बनती होगी वहां पे. तो अगर जो एक्चुअल वाली जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिल रही है तो रियल इमेज बनती है. तो रियल इमेज यहाँ पर बनती है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है. फॉर अ मिरर, मैंने लेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है फिलहाल, मैं सिर्फ मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल. सो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि द इमेज इज रियल, दैट्स इट, इतना ही लिख देता हूँ, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल. फॉर्म्ड कहाँ फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इमेज फॉर्म्ड एट, सॉरी इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट. सर उसे अच्छा सीधा 0,-15 लिख देते हैं. हाँ बट फिर भी कई बार ऐसे शब्दों में भी लिखा होता है यार ऑप्शंस में, इन फ्रंट और बिहाइंड, तो आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन. पता चला लोग बोले सर आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, आपने ये नहीं बताया कभी इन फ्रंट और बिहाइंड क्या होता है. लिख देते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार लिखना है. यस सर का सुख है मुझे. फिर इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. ठीक है, क्या मैं अगले सवाल पे जा सकता हूं? Yes. किसी को अगर ये कॉपी करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं. इनवर्टेड कैसे मालूम पड़ा? हाँ देखो इनवर्टेड कैसे मालूम पड़ा, देखो क्या होता है कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक रे भेजो, ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही आ जाएगी, ये रे ऐसे ही आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और एक रे भेजो यहां पर पैरेलली, ये फोकस से पास करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, तो यहां पर इन्वर्ट हो जाएगी. अब यहां पर इस तरह के रे डायग्राम्स हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं. ठीक है सर, बट यहां पे तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, करेक्ट. अब यहां पर क्या कैसे इन्वर्टेड बोल सकते हैं,
अब देखो यार यहाँ पर ऐसा फंडा है कि अगर तुम एक एरो छोटी सी मान लेते हो, छोटी सी एरो मान लेते हो तो वो इन्वर्टेड आ जाती है, तुम इस छोटी सी एरो के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर बोल देते हैं, इस एरो को छोटा करते जाओ छोटा करते जाओ छोटा करते जाओ, तो ये इमेज वाली एरो भी छोटा होती जाएगी, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया तो एक पॉइंट इमेज बन जाएगी, बट स्टिल वी नो कि भाई ये अगर एरो ऊपर है तो ये वाली एरो पलट के बनती है, इन्वर्ट होके बनती है, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे एक पॉइंट साइज की हो जाए, स्टिल वो पलट के बनेगी। हाँ कहना सही बात है। ओके तो हम एक फाइनाइट साइज वाले ऑब्जेक्ट को देख के फिर बता पाते हैं कि भाई इमेज इन्वर्टेड बनेगी कि हमारी इमेज इरेक्ट बनेगी। खैर मैग्निफिकेशन देखकर भी बता सकते हैं बाद में हम, बट वो बाद में आ गया। मैग्निफिकेशन तक... रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। यस ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अगला सवाल है तुम लोगों के लिए, सिमिलर टाइप का है, जल्दी से कर दो। सर दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट दिस इज अ डिफरेंट। वी हैव डन लॉट ऑफ ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लास 10th में भी किया हुआ है, तो जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मैं एक मिनट और दे रहा हूँ सब लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं चैट बॉक्स चेक करूंगा और फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या आंसर्स हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने लिखा है V is equal to 10 virtual image, okay, 10 to the right virtual, 10 to the right virtual direct, किसने रियल लिखा है वो शायद गलत हो सकता है, virtual m greater than 1 10 centimeter, okay, good, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, very good। तो देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ फोकस को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर देखो क्योंकि इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकल लेंथ 10 होगी मैग्नीट्यूड वाइज, और इसका फोकस इस तरफ होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर दूर फोकस होगा यहां पर। तो मैं फोकस अगर बनाऊंगा, फोकस इस लाइन पे पीछे कहीं पर आएगा, यहां कहीं पर फोकस आएगा, फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से दैट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर फंडा क्या है कि हम ऑब्जेक्ट से रेज निकालेंगे, अब वो जो रेज है वो इस तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव एक्सिस राइट की तरफ लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने राइट डायरेक्शन में ले ली है। अब उसके बाद बहुत आसान बन गया सवाल, कैसे जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट -5 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ जिसको हम बोलते हैं which is actually the x coordinate of the focus, वो है -10 centimeter and we are expected to find the position of the image. तो वापस से मैं mirror formula use कर लेता हूँ, 1/u + 1/v = 1/f, ये हमारा mirror formula है, इसमें 1/v = 1/f - 1/u हो जाएगा, तो 1/v = 1/-10,
माइनस वन बाई माइनस फाइव कर दो, ये हो गया प्लस वन बाई फाइव, ये हो गया माइनस वन बाई टेन, तो वन बाई फाइव माइनस वन बाई टेन हो गया ये। टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, टू माइनस वन वन अपॉन टेन आ गया, सो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई टेन आ गया मेरे पास। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, वी की वैल्यू प्लस टेन सेंटीमीटर, वी इक्वल टू प्लस टेन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हमारी जो इमेज बनती है वो पोल से राइट साइड में बनती है कहीं पर, यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर दूर। अब देखो यहाँ पर अगर कोई एक इमेज बन रही है तो जो असलियत की हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो तो वहां नहीं जा सकती है, रिफ्लेक्टेड रेज तो इसी तरफ आती है, तो उनका शायद कोई एक्सटेंशन होगा जो वहां पर मीट करता होगा। प्रॉब्ली क्या होता होगा, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती होगी, फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज है, सॉरी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है हरे रंग से बना देता हूं, ये रिफ्लेक्टेड रे एक, एक रिफ्लेक्टेड ये रे, ये इनको जब हम एक्सटेंड करते होंगे तो वो वहां पर मिलती होंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे सच में नहीं मिल रही, उनका एक्सटेंशन मिल रहा है बिहाइंड द मिरर, तो एक वर्चुअल इमेज है, सो इट्स अ वर्चुअल इमेज, सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। At a distance of 10 centimeter from the pole. अरे ये बात तभी होगा ना जब ये focus और pole के बीच में रहेगा object का। हाँ वहीं पर तो है देखो। मतलब यही case होगा ना। बाकी मैं तो अंदर form भी कर सकता है left hand side। बिल्कुल, अगर focus के इस तरफ है ना object, तो mirror के इसी तरफ image form होगी। Focus के right side पे है तो image यहाँ बनेगी। ठीक है? Virtual image is formed behind the mirror at a distance of 10 centimeter from the pole. At a distance of 10 centimeter from the pole. Sir, आप वो image positions कराओगे ना एक बार revision? बिल्कुल, अभी मैं कराऊंगा। थोड़ी देर में वही करने वाले हम। Ray diagrams बनवा दूंगा। अलग-अलग जगह पर object रखेंगे और देखेंगे image कहाँ पर form होती है। Ray diagrams बना के देखेंगे। ठीक है, इतना copy कर लिया भाई सब लोगों ने? सर होगा ओके बाकी लोग ठीक है भाई, काम करता हूं मैं। किसी को अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। तो यहां पर हम जिस मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, की भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की उसके मुकाबले इमेज की परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन कितने गुना आती है, कि भाई लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो हम बोलते हैं इमेज मैग्निफाई हो गई। इसको कौन सा मैग्निफिकेशन बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बिकॉज हम यहां पर हाइट वाली डायमेंशन के बारे में बात करें। हाइट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की, सो यहां पर मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो अब देखो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान होता है। तो यहां पर देखो मैंने कॉनकेव मिरर दिखा रखा है, यहां पर मैंने कॉन्वेक्स मिरर दिखा रखा है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ अगर एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर इमेज बनती है। यहां ऑब्जेक्ट रखा तो यहां कहीं इमेज बनेगी, इसके लिए फिलहाल छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में सीख लोगे तुम। सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखो। अब इसमें देखो ये रेज मैं समझाता हूं तुम लोगों को, ये जो रेज है इनके बारे में एक बार बात करते हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब एक्चुअली में क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स लूंगा, ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट का लोएस्ट पॉइंट।
ए को बोल देते हैं ऑब्जेक्ट का लोएस्ट पॉइंट, बी जो है ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर मैंने इन दोनों की इमेजेस निकाल ली, लेट्स से वो आती हैं यहां और यहां, तो बाकी के बीच के जो पॉइंट्स हैं उनके इमेजेस ए डैश और बी डैश के बीच में ही आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा हुआ है। ए उसका लोएस्ट पॉइंट है, बी उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं ऑब्जेक्ट के। तो मैं क्या करता हूं, इस एक्सट्रीम कॉर्नर की इमेज निकालता हूं वो शायद यहां आ जाए, इस एक्सट्रीम कॉर्नर की इमेज निकालता हूं वो शायद यहां आ जाए। फिर हम क्या बोलते हैं कि यार ये जो बीच के पॉइंट्स हैं, इन बीच के पॉइंट्स की इमेजेस पक्का से यहां पर बीच में ही आएंगे। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहां पर अपनी इमेज बन जाएगी। अब देखो ये इमेज बनाने की कोशिश करता हूं, ये इमेज बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ए से रेज जो निकलेंगी वो बनाओ सबसे पहले, एक यहां पर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही वापस आ जाएगी। नेक्स्ट यहां से एक रे भेजो जो कि यहां कहीं इंसिडेंट होगी ऊपर कहीं, वो रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं आएगी। तो ये जो दो हरी वाली मैंने रिफ्लेक्टेड रेज बनाई है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मीट करेंगे, ऑफ कोर्स दे वुड मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ। तो इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं पर बनेगी, कहां पर बनेगी वो देखने की जरूरत नहीं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ए की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं पर बनेगी। इस चीज पे अग्री करते हैं सब लोग? बी की जो इमेज है ना उसको प्रॉपरली बनाते हैं, बी की जो इमेज है उसको प्रॉपरली बनाते हैं। तो यहां से तीन तरह की रेज दिखा रखी इन्होंने, ये जो रे है ये पैराक्सियल है, पैराक्सियल रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी, ये रहा फोकस दिखा रखा है यहां से आगे। ये जो रे है ये पोल पर जा रही है, तो पोल पे जो भी रे इंसिडेंट होती है वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऊपर जो एंगल है नीचे पे वही एंगल हो जाता है। ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये यहां पर ई पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हरी वाली, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है हरी कलर की, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही। तो तीन जो ग्रीन कलर से मैंने रेज बनाई है, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज, ये किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है ये सबको समझ में आना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करेंगे दैट पॉइंट इज बी डैश, दैट इज द इमेज ऑफ पॉइंट बी। तो बी जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यहां कहीं बन गई। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। हाँ क्या सही बात है? बट देखो ये जो पी वाली लाइन ना, इसकी एक मजेदार बात है, ये हमें हेल्प करती है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में रेशियोज निकालने के लिए। एग्जैक्टली सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये जो लाल रंग के मैंने ट्राइंगल्स बनाए दोनों सिमिलर होंगे, क्यों? बिकॉज ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पर। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं जो लाल रंग के मैंने सब लोग नॉइज आ रही। हाँ अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो क्या इनकी हाइट्स का रेशियो और इनकी बेसिस का रेशियो सेम होगा, बताओ? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ट्राइंगल एबीसी जो है, सॉरी ट्राइंगल एबीपी जो है, दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो अगर ये सिमिलर हैं तो बेस का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एपी अपॉन ए डैश पी, ये इनके बेसिस का रेशियो है, दैट शुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इनकी हाइट्स का रेशियो। अब देखो एक काम करते हैं नहीं यार देखो ये जो है ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो ये मिरर है तो मिरर पे नॉर्मल बनाओगे लाल रंग की लाइन है, इधर पे एक रे आई इधर पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ? हाँ सर। तो ये हरे रंग का एंगल और ये लाल रंग का एंगल, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? यस सर। तो हरे रंग का जो ट्राइंगल है और जो लाल रंग का ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे यार, आगे ना? अच्छा हाँ सर। ठीक है अब देखो यहाँ पर इसके आगे बहुत सिंपल है, एक काम करो सबसे पहले तो
एच ओ नाम की चीज डिफाइन करो. व्हाट इज एच ओ? इट इज द x, सॉरी, इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ b. इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ b. इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ b. एंड एच आई इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ b डैश. अभी बताओ मुझे, यहां पे अगर मैं इसको y एक्सिस बोल देता हूं, तो b का जो y कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव. सब पॉजिटिव. b का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा. तो h o शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव. पॉजिटिव. नहीं सर पॉजिटिव. तो h o को मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लस ab और माइनस ab? h o को प्लस प्लस प्लस. तो h o मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लस ab. व्हाट अबाउट हाइट ऑफ द, मतलब ये जो h i है व्हिच इज द व्हिच इज द y कोऑर्डिनेट बी का, तो वो प्लस ए बी होगा कि माइनस ए बी होगा? क्या होगा? प्लस ए बी. मान लो वाई एक्सिस ये रही मेरी, और यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है माइनस बी, सॉरी ये पॉइंट है बी डैश. इसका डिस्टेंस ऊपर है 10 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस नीचे है 5 सेंटीमीटर. तो ये बताओ इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, वुड इट बी प्लस 10 सेंटीमीटर और माइनस 10 सेंटीमीटर? बी का प्लस 10 सेंटीमीटर. इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, प्लस 5 कि माइनस 5? माइनस 5. तो ये जो b है इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस ऑफ दिस लेंथ होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस ऑफ दिस लेंथ होगा, a डैश b डैश, है ना? हाँ सर. जैसे इसका y कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ दिस लेंथ आ गया था, इस लेंथ का नेगेटिव, इसका y कोऑर्डिनेट इस लेंथ का पॉजिटिव आ गया था. तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी. ओके, अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं. हाँ, AB को HO लिख देते हैं, AB को लिख देते हैं HO, और A dash B dash को लिख देते हैं माइनस HI. तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस. अच्छा एक काम करो, एक और चीज करो, सबसे पहले ये बताओ कि क्या मैं AP को, क्या मैं A से P तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं u के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं. जो u है दैट इज माइनस ap इन दिस केस, u इज इक्वल टू माइनस ap, और जो v है दैट इज माइनस a डैश p इन दिस केस. क्योंकि क्या है, इधर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां पर इमेज बन रही है ये इमेज का डिस्टेंस, बट क्योंकि वो दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं तो माइनस ap हो जाएगा ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, माइनस a डैश p हो जाएगा इमेज का x कोऑर्डिनेट. क्या ये वाली चीज भी सही लिखी है मैंने, बताओ? यस सर. यस सर. अब एक काम करो, यहां पर तुम बोलो यार इधर पे माइनस एपी अपॉन, या फिर एक काम करो ऐसे बोल दो कि भाई एपी जो उसको माइनस यू लिख सकते हैं, ए डैश बी जो उसको माइनस वी लिख सकते हैं, ए बी जो उसको प्लस एच नॉट लिख सकते हैं, और जो ए डैश बी डैश उसको माइनस एच आई लिख सकते हैं. सही है क्या? यस सर. तो अब यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, यहां से मेरे पास आ रहा है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस v by u, ये आ रहा है मेरे पास. सही बात है? हाँ सर. इसको हम बोल देते हैं मैग्निफिकेशन, इसको हम नाम देते हैं मैग्निफिकेशन. कौन सा वाला? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ये कि लैटरल, लैटरल मैग्निफिकेशन? कौन सा है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब हाइट कितने गुना बढ़ रही है इसकी. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एच आई हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू जो भी मैग्निफिकेशन है ट्रांसवर्स वाला इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पर ये बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये एक्चुअल में हाइट्स हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं? वाई कोऑर्डिनेट्स. ये असलियत में वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया है वो आया है माइनस वी बाई यू. सही बात है? बताओ. yeah. जल्दी से कॉपी कर लो सर. सर डन. सर यहाँ पे अगेन एच आई एच ओ की वैल्यू साइन के साथ लिखेंगे ना? बिल्कुल, बिकॉज ये क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है और वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. हाँ ना सर. यहाँ अगर लैटरल होता, लैटरल होता तो लैटरल वाला बाद में करेंगे. लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है तो इमेज कितनी लंबी आती है,
ऑब्जेक्ट की लेंथ के मुकाबले इमेज की लेंथ कितने गुना होती है वो हम निकालेंगे बाद में। सर ट्रांसवर्स इज द हाइट नो? ट्रांसवर्स का मतलब है हाइट का मैग्निफिकेशन, कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 10 है तो इमेज की हाइट कितने गुना हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स इज द इमेज हाइट। ये जो हाइट का मैग्निफिकेशन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। फॉलोड? सो बोलो सर। सो नाउ व्हेन लाइक इन 10th आल्सो वी यूज्ड टू डू दिस एंड आई वुड गेट प्रीटी कंफ्यूज्ड इन दिस पार्ट दैट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला दिस माइनस v / u डू वी पुट द साइन ऑफ v एंड u और नो? मैं बताता हूं ये क्या चीज है। ये x कोऑर्डिनेट है इमेज का, ये x कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का, ये y कोऑर्डिनेट है इमेज का, ये y कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, सही बात है? हाँ सर। तो तुम विद साइन इंक्लूड करोगे इनको कि विदाउट साइन इंक्लूड करोगे, क्या लगता है तुम्हें? विद साइन, पर लाइक हम लोगों ने पहले बी को लिया है ना लाइक माइनस ए डैश बी, तो इसे बिल्कुल देखो यू वी एच ओ एच आई इनके डेफिनेशन ही कोऑर्डिनेट है, ये सभी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स तो विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कुछ भी हो सकते हैं ना। हाँ सर। ओके थैंक यू। और देखो ये जो फॉर्मूला आया है ऑल्दो ये मैंने कॉनकेव के लिए तुम्हें डराइव करके देखा है, एग्जैक्ट सेम चीज यहां पर कॉन्वेक्स के लिए भी डराइव हो जाती है। सर राइट वाला डायग्राम बनाए कि नहीं? बना लो मेरे हिसाब से तो। ओके। या फिर तुमको सिर्फ इतना लिख के और फिर बाद में लिख दो कि यार सेम थिंग इज वैलिड फॉर कॉन्वेक्स एज वेल, वो भी चलेगा, ये डायग्राम ना भी बनाओ तो भी इट्स फाइन। सर अगर ऑब्जेक्ट की विड्थ हो तो कैसे करेंगे हम? हाँ, ऑब्जेक्ट की विड्थ और इमेज की विड्थ के बारे में अगर बातें करनी है तो वो कंपैरिजन हम करेंगे, डू नॉट वरी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके सर। सर टुडे लैटरल मैग्निफिकेशन वाला ना, सॉरी अभी आपने वर्चुअल मैग्निफिकेशन बोला ना, अभी मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोला हाइट का। मैं सर करेंगे आगे। हां फिर मैंने बोला कि लैटरल जो है विड्थ वाला जो मैग्निफिकेशन है वो भी हम करने वाले हैं आगे, बट प्रोबेबली आज की क्लास में नहीं कवर हो पाएगा तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, बिकॉज अभी क्या है बेस्ड ऑन दिस हमारे पास कुछ सवाल है, पहले ये सवाल करके देखते हैं। यस सर। अब मुझे गोइंग स्लोली सर, सॉरी आर वी गोइंग स्लोली सर? अरे देखो तुम लोगों को फास्ट चाहिए, आई कैन मेक इट फास्ट, डोंट वरी। नो सर, जस्ट आस्किंग सर। ये स्पीड ठीक है फिर समझ में नहीं आता। नो सर, जस्ट आस्किंग ओनली। देखो यार सुनो, तुम्हारा सिलेबस खत्म करवाना मेरा हेडेक है, आई विल डू दैट, डोंट वरी, ठीक है? अगर नहीं हो पाया किसी टेस्ट के पहले, टेस्ट का सिलेबस कम करवा देंगे, ठीक है? जेई इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस। जेई में अगर लेट्स से कोई बच्चा है जिसने 80% सिलेबस अच्छे से किया है वर्सेस किसने 100% सिलेबस जल्दबाजी में किया, किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, कौन IIT जेई क्रैक करेगा? But I'm not saying कि मैं क्लासेस में तुम्हें सिर्फ 80% ही पढ़ाऊंगा, मैं 100% पढ़ाऊंगा, do not worry, but मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अगर हो गया, अगर नहीं हुआ है तो मैं आगे बढ़ता हूं। Based on this, there are a few questions. I have two questions over here. ये पहला सवाल है, इसको करो सबसे पहले। This is the first question based on this. स्क्रीनशॉट लेने का था, ये ले लो। हुआ? हाँ सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगली स्लाइड पे। इसमें जो 1.5 है वो है क्या सर? 1.5 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस f है तो ये वाला डिस्टेंस 1.5 f है।
फोकस का डिस्टेंस एफ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1.5 एफ है, तो ये होता है यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस एफ होगी कि प्लस एफ होगी, क्या लिखोगे? फोकल लेंथ माइनस एफ लिखेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये वाली चीज एफ देती है, विच इज एक्चुअली जस्ट द लेंथ, उसमें साइन इंक्लूडेड नहीं है। दो मिनट और हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक मिनट और है। सर डन यस ठीक है 30 seconds मोर सर यू विल चेक लोड द चैट बॉक्स। हाँ हाँ मैं चेक कर आंसर चेक करता हूं। ठीक है लेट मी चेक द आंसर फॉर एवरीवन। ओके -5 centimeter इज द हाइट ऑफ द इमेज। ओके इट इज इनवर्टेड और -3/5 f पे बनी है। ओके आई डोंट थिंक डिस्टेंस इज 3f। यस दैट इज करेक्ट। रियल इनवर्टेड इमेज साइज इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज 3f। तनिष ने एकदम परफेक्टली लिखा एकदम परफेक्टली। दिव्या का भी करेक्ट है। स्वाति थोड़ा सा गलत कर दिया तुमने। आर यू गॉट माय कंफर्मेशन सॉरी आर यू गॉट माय कंफर्मेशन सर लास्ट वन लास्ट मतलब समझा नहीं। तुमने नाम तुमने भेजा है क्या? व्हाट्स योर नेम? हां यस सर सिमान सर सेकंड लास्ट वाला नीचे। हां सर यस ये वाला यस सर जस्ट 5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस ओके सर ओके ठीक है। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने थोड़ा मिस्टेक्स कर दी हैं तो देखते हैं। तो देखो यहां पर सिंपली अपने को यार मिरर फार्मूला लगाना है। ठीक है तो जब हम लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f, which is the mirror formula, 1/u + 1/v = 1/f लिखेंगे जब,
तो यहां पर सबसे पहले देखो, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस. तो जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है यहां पर माइनस स्मॉल एफ आएगा, यहां पर माइनस स्मॉल एफ आएगा. क्यों? बिकॉज यहां पर एफ जो यहां पर इन्होंने दी है, दिस इज एक्चुअली अ लेंथ. तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है कुछ दे रखी है, तो इसको ओ ओ डैश बोल दो, ओ ओ डैश बोल दो. और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं तो बनेगी, पता नहीं, वो आई आई डैश बन जाएगी. वो एक्चुअल में यहाँ कहीं बनेगी, आई आई डैश बन जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द इमेज आई आई डैश. मतलब ओ का जो इमेज बनती, ओ की जो इमेज बनती है दैट इज आई, और ओ डैश की जो बनती है उसको आई डैश नाम दे दिया मैंने. नाउ सी, यहाँ पे एक काम करो, इसको दूसरा नाम दे दो, इसको कैपिटल एफ नाम दे दो, इसको कैपिटल एफ नाम दे दो. नाउ व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज माइनस 1.5 f. तो यहाँ पर यू की वैल्यू जो है वो माइनस 1.5 f है, और जो कैपिटल एफ की वैल्यू दैट इज माइनस स्मॉल f, बिकॉज दिस स्मॉल f इज जस्ट अ लेंथ, वेयर f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ. ये बस एक लेंथ है और कुछ भी नहीं. अब यहां से v निकालना बहुत आसान है, 1/v = 1/f - 1/u करना होता है. तो यहां पर 1/v = 1/-f - 1/-1.5f. अब देखो, एक काम करो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर दोनों का माइनस 1.5 हो जाएगा. फिर यहां पर 1.5 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस 1.5 इनटू f, ये आ जाएगा. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पर माइनस 3f बन जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेना तो v की वैल्यू माइनस 3f आ जाएगी. v इज इक्वल टू माइनस 3f. इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनी है उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब पोल से राइट में बनी है इमेज की लेफ्ट में बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है. तो रियल इमेज बनी, रियल इमेज बनी होगी कि वर्चुअल इमेज बनी होगी, क्या लगता है? रियल, रियल इमेज बनी है. द इमेज इज रियल क्योंकि माइनस दिख रहा है मुझे यहाँ पर. सो यहाँ पर दिस इज अ रियल इमेज, रियल इमेज बनी है. कितना दूर बनी है पोल से? 3f डिस्टेंस दूर बनी है. किस साइड? लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताओ. यस सर. अब देखो यार, इसके आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द मैग्निफिकेशन. जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो निकालता हूं मैं, दैट इज माइनस वी बाई यू. तो यहां पर माइनस वी बाई यू मतलब माइनस ऑफ माइनस 3f डिवाइडेड बाई माइनस 1.5f. तो यह आ जाता माइनस 2. माइनस 2, तो इसका मतलब क्या, मैं बताता हूं. माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है, ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इमेज का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, मतलब पलट के बनती है, इनवर्ट होकर बनती है. तो दिस माइनस रिप्रेजेंट्स कि भैया जो इमेज है वो इनवर्ट हो जाती है. 2 रिप्रेजेंट्स कि भैया इमेज की हाइट ट्वाइस होगी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस होगी मतलब मैग्निफाइड इमेज बनती है, ज्यादा बड़ी इमेज बनती है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. So minus 2 represents inverted, minus represents inverted, and 2 represents magnified. So the image is magnified and it is inverted. Uski height nikal sakte hain, yahan bahut aasan hai. HI by HO. This is the transverse magnification. Aur iski value hamare paas aayi minus 2. So height of the image is equal to minus 2 times height of the object. Object ki height hai 2.5. Positive ki negative? Positive. Because iska jo y coordinate hai, that has to be positive, right? So plus 2.5 आएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर आ जाता minus 5 centimeter. That's the y coordinate of the i dash point. I dash का y coordinate negative आ रहा है. तो इमेज की लेंथ अगर देखें तो वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो इन्वर्टेड है इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पर. सही बात है, बताओ. रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेजेस फॉर्म, रियल इन्वर्टेड and magnified images formed. Sir, could you repeat, how did you determine magnified? देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ है, magnification क्या है? HO by HI होता है, इसकी वैल्यू minus 2 आ गई. What does this minus represent? It represents कि भाई अगर HO का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो HI का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा. तो ये बस ये बोलता है कि वह पलट के बनती है, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज पलट के खड़ी है, इनवर्टेड है. 2 रिप्रेजेंट्स कि भाई अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है
तो इमेज के हाइट से दो गुना ज्यादा लंबी आएगी मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये अगर एक्स है तो इसकी लेंथ 2x आ जाती है, हां कि ना? तो इज इट मैग्नीफाइड, इज इट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और इज इट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या है? लार्जर, तो इसलिए वो मैग्नीफाइड है. ओके सर, तो 1 आती तो सेम साइज होता और लेस देन 1 मतलब छोटा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड सर व्हाट डज बोलते हैं डिमिनिश्ड. ठीक है, काम करो, ये वाला जो सवाल है इसको कॉपी करने का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको प्रॉपरली कॉपी करो. और कितने लोगों को समझ में आई एक बार हाथ उठा के भी बता दो मुझे, किसी को अगर डाउट है तो बोल के बता दो, जिस जिसको समझ में आए हाथ उठा के बता दो, मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए थे. बाकी यार, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज दिस इज लेस देन 50%. 50% भी हो तो मुझे फिर ऐसा लगता है चलो ठीक है, मेरी मेहनत कामयाब हुई. चलो ठीक है, किसी को अगर डाउट है तो यार प्लीज पूछ लेना. सर वो आपने मैग्नीफाइड का क्या बोला, मतलब मैग्नीफाइड कैसे डिसाइड किया? इसका मैग्नीट्यूड देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान ले भैया कुछ भी माइनस टू आ रहा है या फिर माइनस थ्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ पता है, हाइट पता है, तो इमेज की हाइट उससे दो गुना तीन गुना हो जाएगी. तो ये पता इमेज बड़ी है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, कौन बड़ा है? सर ऑब्जेक्ट इधर. अरे यार सुनो, लेट्स से एच आई बाई एच ओ की वैल्यू आ गई माइनस फोर, एच ओ है 10, तो एच आई क्या आएगा बताओ? माइनस 40 आ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ. इमेज की लेंथ 40 सेंटीमीटर है बट वो पलट के बनी है, वाई एक्सिस के नीचे लटक रही है वो, इसलिए माइनस 40 लिखा गया उसको. बट क्या इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ के मुकाबले बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है. बड़ी है, तो इसको क्या बोलोगे, मैग्निफाइड इमेज बोलोगे कि डिमिनिश्ड इमेज बोलोगे? मैग्निफाइड. तो यहाँ पर ये साइन छोड़ो, इसका मैग्नीट्यूड देखो. अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन जाती है. समझ में आता है? यस सर. टू चेक वेदर इमेज इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, सिंपली चेक द मॉड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन. इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, उसके लिए साइन देखो. अगर माइनस है तो इन्वर्टेड, प्लस है तो इरेक्ट इमेज. बस भैया ये y कोऑर्डिनेट्स का रेशियो, y कोऑर्डिनेट्स का रेशियो है, तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए. किसी और को कोई डाउट? सर हाँ बोलो. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन है वो करने वाले, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास. उसके बाद जनरल ऐसी बातें कर लेंगे क्लास के स्टार्ट टुडे. हाँ, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम री डायग्राम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है सर, एक और एग्जाम नहीं दे रहे हो क्या? सॉरी सर, नहीं मतलब एक और एग्जाम देने वाले हो? हाँ एक और सम दे रहा हूँ, दे दूँ सर? आपकी नेक्स्ट क्लास सर, आज के लिए रहने दो ना. अरे क्लास सम कर लो ऐसे टाइप, क्लास सम कर लेंगे सर. जल्दी करो, दो मिनट है. होमवर्क तरीका करना है? अरे एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप है, जल्दी से कर लो, प्रैक्टिस है तुम्हारे लिए. सर होमवर्क 3 कब अटेम्प्ट, कब अटेम्प्ट करना है? होमवर्क 3 मैं बताऊंगा तुम्हें, अपलोड किया है मैंने, अपलोड कर का भी डिस्कशन बाकी है. हां मैं बताता हूं तुम लोगों को होमवर्क 3 कब से अटेम्प्ट करना शुरू करना है, वो नेक्स्ट क्लास के बाद अटेम्प्ट करना शुरू करना है होमवर्क. लेकिन आपने भेजा किधर है सर? आपने नहीं दिया ना होमवर्क 3? अरे मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया बट तुम लोगों को ग्रुप पे नहीं बताया क्योंकि अभी तक उसको अटेम्प्ट करने लायक थ्योरी नहीं पढ़ाई मैंने. ठीक है तो नेक्स्ट क्लास के बाद अटेम्प्ट कर सकते हो उसको. नेक्स्ट क्लास अभी नहीं करना है ना? नहीं होमवर्क नंबर 3 अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, ऑल्दो उसके कुछ कुछ सवाल हो जाएंगे तुमसे. टोटल उसमें 27 क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं, 27 में से हो सकता है 10 शायद तुमसे अभी भी हो जाए, बट चाहो तो बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो 7 में आफ्टर द नेक्स्ट क्लास.
ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लो. सर एक बार पहले वाले पेज पे जाओ ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. ये लो यार, ये लो. सर वो स्मॉल f फोकल लेंथ का डिस्टेंस है ना, जो आपने नेक्स्ट इसमें डिनोट किया है क्वेश्चन में. हाँ, स्मॉल f पे तुम्हें साइन खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है. फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दिया है, बट तुम्हें सोचना पड़ेगा कि उसको पॉजिटिव लिखना चाहिए अपने फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूला में, कि नेगेटिव लिखना चाहिए, सोचना पड़ेगा. ओके सर. ठीक है, जस्ट एक मिनट और दे रहा सर. भेज दिया सब लोगों ने. मैं आंसर्स चेक कर रहा हूं भाई सबके. तो मैग्निफिकेशन आता है प्लस हाफ, व्हिच मींस इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज. इमेज की जो पोजीशन आती, वो आती है प्लस 5 सेंटीमीटर, मतलब वर्चुअल है, प्लस 5 एंड 2 सेंटीमीटर इरेक्ट, ठीक है, नॉट मैग्निफाइड. इरेक्ट एंड वर्चुअल, नॉट मैग्निफाइड की जगह हम डिमिनिश्ड बोलते हैं राघव, ठीक है. ओके, वर्चुअल इरेक्ट एकदम सही लग रहा है तनिष का. वी पॉजिटिव, एच आई पॉजिटिव, नेचर डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, परफेक्ट. इसके साथ अगर वर्चुअल भी लिख देते तो और बेटर रहता दिव्या, ठीक है. सब लोगों का सही आ रहा है यार. अनिमेश का भी सही है. गार की एच आई 20 की जगह शायद 2 होगा, तुमने 0 गलती से लगा दिया होगा. सोहम का भी सही है, आर एच एस में बनता है. 0 नहीं, ठीक है. मोस्टली लोगों के सही आंसर्स हैं यार, गुड. अब देखो यहां पर मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूं. तो सबसे पहले ये बताओ कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इंसिडेंट रेज इस तरफ आएंगी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट में लेनी है कि लेफ्ट में लेनी है, कहां लेनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस? सर पॉजिटिव राइट, तो राइट पे, राइट साइड सर. पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज राइट फ्रॉम द पोल. इस तरफ आ गई और यहां पर पॉजिटिव वाई. अब देखो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली पूरा है, मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है लेट्स से, इसकी इमेज कैसी बनती है, यहाँ कहीं बनेगी कैसे बनेगी मालूम नहीं. तो इस आदमी की जो हाइट है वो हम कैसे लिखते हैं, इसके सिर का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से लिखते हैं. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस 4 लिख देंगे हम. ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको माइनस 10 सेंटीमीटर लिख देंगे हम. फोकल लेंथ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे फॉर्मूले में, उसको प्लस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, बिकॉज़ कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां पर है, तो ये आएगा प्लस 10 सेंटीमीटर. अब मैं जल्दी से 1 / u + 1 / v = 1 / f लगा देता हूं, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि भाई इमेज कहां पर बनती है. v की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, 1 / v = 1 / f - 1 / u, तो 1/10 - 1/-10, तो ये आ जाएगा - 2/10, सॉरी प्लस 2/10, मतलब 1/5, तो v की वैल्यू प्लस 5 सेंटीमीटर आ जाती है. v की वैल्यू प्लस 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो राइट साइड पे बनी है, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी इमेज पक्का से, बिकॉज राइट साइड में बनी है मिरर के बिहाइंड. अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, मैग्निफिकेशन निकालो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, विच इज माइनस v / u, तो ये आ गया माइनस 5/-10, तो ये आ गया 2. ये जो मैग्निफिकेशन आई है पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई अगर माय बैड प्लस हाफ आता है, तो इसमें पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर इमेज का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इमेज का भी पॉजिटिव आएगा. इमेज सीधी ऊपर खड़ी है, सॉरी ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर खड़ा है, तो इमेज भी सीधी ऊपर खड़ी हुई आएगी, नीचे लटकती हुई इमेज नहीं आएगी यहां पर.
सो इट इज इरेक्ट, पलटती नहीं है, इट इज इरेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधी खड़ी हुई बनेगी. इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर तो ये पलट के बन गई इमेज, तो उसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं. ये जो हाफ है दिस टेल्स अस कि भाई डिमिनिश्ड इमेज बनी है, इमेज ऑब्जेक्ट के सामने थोड़ी सी छोटी है, डिमिनिश्ड. अब यहां पर एच ओ और एच आई का रेशियो जो होता है एच आई बाई एच ओ दैट इज हाफ, तो एच आई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच ओ. एच ओ हमें पता है प्लस फोर है, यहां पर प्लस टू सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड. सर जस्ट टेक मिनट, इज फॉर्म्ड 5 centimeters बिहाइंड द मिरर, 5 centimeters बिहाइंड द मिरर. बोलो So it's fine if we first like find the height of the image and then after that if we find the magnification using HI by HO, right? Because in that way also first we've already come to know that V is plus pi, so it's virtual and irregular. देखो अगर तुम HO by HI equals to ये कर रहे हो, तुम वही कर रहे हो. This is the magnification. तो तुम वही कर रहे हो, magnification निकाल रहे हो. कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है. Yeah. Thank you. ठीक है भाई, दैट्स इट फॉर पढ़ाई फॉर टुडेस क्लास. ठीक है, वैसे बट देयर आर 5 more minutes मतलब वी कैन यूटिलाइज दैट. अच्छा मैं वही बोल रहा हूं, बातें करने पढ़ाने तो पढ़ा दो, बातें करनी तो बातें कर लेते, तुम्हारी मर्जी, बताओ. सर आई हैड वन डाउट इन द इन दैट सम. हां बोलो, क्या डाउट है सर? इंस्टेड ऑफ कॉनवेक्स मिरर इफ इट वुड बी कॉनकेव मिरर हाउ वी वुड डू इट. कॉनकेव अगर होता तो फोकल लेंथ उसकी -10 centimeters बन जाती, दैट्स दी ओनली डिफरेंस, और कुछ भी नहीं बदलता यहाँ पर कैलकुलेशन. सो देन लाइक इट वुड कम 1/0 करेक्ट. हाँ तो 1/0 मतलब इंफिनिटी हो गया. हाँ कि ना, तो वहां पर क्या होता है कि अगर मान लो फोकस पे, कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसकी इमेज या तो तुम यहाँ पर ले सकते हो. Sir, it will become parallel. Exactly. या तो तुम infinity पे image लोगे, minus infinity पे, या फिर plus infinity पे image बोलोगे. तुम्हारी मर्जी, जहाँ पर भी बोलना. One upon zero. Sir, point image. Sorry. Sir, point image. नहीं नहीं, बहुत enlarged image आएगी भाई. देखो ये height है object की, और इससे जो rays जाएंगी, वो ऐसे जाती जाएंगी, कभी मिलेंगी. तो हम अगर ये बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मिलती है, तो इन्फिनिटी पे जाते जाते ये बताओ, ये इमेज की हाइट जो है ये बहुत बड़ी होती जाएगी कि बहुत छोटी होती जाएगी, क्या लगता है? तो हाईली मैग्निफाइड बोलते हैं उस इमेज को. ये हम रे डायग्राम्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. वी वुड स्टडी दिस इन द नेक्स्ट. मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी होगा. मैग्निफिकेशन वुड बी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इन दैट केस. यस, ओके सर. एक सेकंड, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जाना पूछना. हां ये लो सर, इसमें ऐसा लिखा है ना, F is the magnitude. अगर ये नहीं लिखा रहता तो U की value positive आ जाएगा. अगर F को focal length बोल देते तो what it would have implied is कि ये खुद में negative है, तो हम U को सीधा 1.5F लिखते, because हमें पता है कि F is negative. अगर बोलते F is the focal length, तो हमें पता है कि for a concave mirror focal length negative होती है. ठीक है, तो अगर सीधा ये बोलता है कि focal length is F, तो इसको हम सीधा U को 1.5F लिखते, माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इसके अंदर इंक्लूडेड होता माइनस है ना. हाँ सर. ठीक, और कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर. चलो ठीक है, अब दो मिनट में क्या ही बातें करेंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन. ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ टाइम पे एकदम. थैंक यू सर. चलो सी यू. थैंक यू सर. ये तो कोई जनरल चीज पूछनी है तो पूछ लो यार तुम लोग, आई डोंट माइंड.